हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 397.90 की करंट प्राइस चल रही है और ये जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ किया है जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा था। एग्जैक्टली स्टॉक में यहीं से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम इसी जोन पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की ओर हमें बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 375 से लेके 395 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन चुका है। अभी यहीं पे मल्टीपल टाइम बाउंस देखने को मिला, फिर से स्टॉक में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के बाद में यहीं पे ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी फर्दर स्टॉक में यहीं से अपसाइड में बाउंस देखने को मिल जाए। और लेवल्स ऊपर की बात करेंगे तो 420 से लेके ऑलमोस्ट 435 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है तो फर्दर स्टॉक में और भी काफ़ी अच्छी तेजी हमें अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। दोस्तों, इन केस अगर से इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो इसके नीचे का ESL रख के ही आपको जो है स्टॉक को होल्ड करना है। अगर से फॉल करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 305 से लेके 3110 का। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक टेक्निकल चार्ट पे सारी डिटेल समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस इसकी एवरेज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ की बात करेंगे तो लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक अंडर प्राइसड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड बता रहा है। और सबसे अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुगर कंपनी हमें देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ में स्मॉल कैप है जिसका मार्केट कैप 8709 CR का है और स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की, 5 एनालिस्ट 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके चलते जल्दी स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी, काफ़ी अच्छा बाउंस हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिए दोस्तों, ठीक है, इस जोन के नीचे फॉल करेगा तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के ही स्टॉक में जो है आप बने रहिएगा। और साथ साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 महीने का क्लास भी हम कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन चलती है, गूगल मीट से आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।